ओके क्लास 10, दिस इज अ पार्ट टू वीडियो फ्रॉम सिमिलैरिटी एंड एक्सरसाइज 13.1। ओके सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट इन द गिवन फिगर, हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ये एक ट्राइंगल दिया गया है और ट्राइंगल में आपको मेंशन किया गया है ये आर पी क्यू और फिर इसमें लिखा गया है और यहाँ पे फिर दिया गया है एस टी और इसमें यह है। तो सबसे पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या लिखा गया। इन द गिवन फिगर एंगल पी, यानी ये एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के इक्वल है, यानी ये एंगल के इक्वल है। आपको प्रूफ करने बोला गया है कि आर पी क्यू ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, आर टी एस के सिमिलर है। करेक्ट, तो हम लोग सिमिलैरिटी का थ्योरम जानते थे, एंगल एंगल, साइड साइड या साइड एंगल साइड या फिर साइड साइड साइड। ओके तीन तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस ट्राइंगल का नाम बोला गया हम लोग उस ट्राइंगल को लिखते हैं, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। सबसे पहले जो गिवन दिया हो कि इसका पी इक्वल है और इसका एंगल आर टी एस इक्वल है, ये हम लोग गिवन दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं, दोनों ही फिगर में चाहे आर पी क्यू बोलिए चाहे आर टी एस बोलिए, दोनों में एंगल आर और एंगल आर कॉमन है, दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ट्राइंगल सीधा सीधे लिख सकते हैं आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई एंगल एंगल, यानी एंगल एंगल का हम लोग इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये हो गया कंप्लीट। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10B। क्वेश्चन नंबर 10B उसी की तरह है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इन द फिगर, जो भी फिगर आपको दिया हुआ है, दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल ABC दिख रहा है और एक आपको ट्राइंगल AD दिख रहा है। उस पर गिवन दे दिया कि एंगल AD और एंगल AC भी दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले प्रूफ करने बोला गया कि ABC और AED को आप सिमिलर प्रूफ कीजिए। तो पहले हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं। ओके इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। क्लियर, क्योंकि देखिए दोनों फिगर में एंगल एंगल है और इसमें लिखते हैं एंगल ए सी बी और यहाँ पे देख लीजिए गिवन दिया था जिसका एंगल ए डी, ये हम लोग लिख दिए कि ये दोनों गिवन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बाई एंगल एंगल, ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर ये ओके तो हम लोग इसको प्रूफ कर दिए, जब ये एंगल एंगल हम लोग प्रूफ कर दिए हैं उसके बाद हम लोग देखिए अब क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग सीखे हुए थे ट्राइंगल का सिमिलर का कि वेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग अब कैसे कैसे किसके साइड्स लेंगे, ध्यान दीजिए ये दोनों ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हम अलग अलग कर देते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हम लिख देते हैं एंगल ए डी ई और एक लिख देते हैं एंगल ए बी सी। तो दो ट्राइंगल हम अलग अलग कर दें, जिस दोनों ट्राइंगल आप पढ़ रहे थे एंगल ए बी सी और एंगल ए डी ई, तो इसमें भी एंगल ए और इसमें भी एंगल ए दोनों कॉमन था, तो इसका भी ये एंगल लिए थे, इसका भी ये एंगल लिए थे। तो अगर इसके अपोजिट का डी ई लेंगे तो इसके अपोजिट का बी सी लेंगे। हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे ढूंढना चाहते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। फिर इसमें क्या था कि यहाँ का डी इक्वल था और यहाँ का सी इक्वल था, ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ का हम डी इस एंगल को ही पकड़े तो यहाँ का इस एंगल को पकड़ना होगा, तो इसका अपोजिट में क्या आ रहा है ए ई, तो इसका अपोजिट में क्या आएगा ए बी आएगा। क्लियर, उसके बाद अब थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो अगर इसको यहाँ से थर्ड एंगल लेंगे तो ये भी थर्ड एंगल हो जाएगा। तो थर्ड एंगल का यहाँ इक्वल्स टू अगर ए डी लेंगे तो यहाँ का थर्ड एंगल का इक्वल्स टू ए सी लेंगे। और रीजन लिख देंगे क्या यहाँ पे, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढा जाता है समझ में आएगा, जो भी एंगल से आपने प्रूफ किया उसका अपोजिट साइड्स को लीजिएगा, दोनों फिगर का सेम हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में ए ई दिया हुआ है, यानी ये ए ई दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है, अच्छा बी डी मतलब ये पोर्शन हल्का सा पोर्शन बी डी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। ठीक है, आपको कैलकुलेट ए सी करने के लिए बोला गया है तो हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इन दोनों से ही बना सकते हैं। यानी क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग का जो ए ई बाई ए बी होता है और ए डी बाई ए सी होता है ये दिया हुआ है। क्लियर, तो आप देख सकते हैं ए ई क्लियरली 3 दिया हुआ है और ए बी 6 दिया हुआ है और यहाँ पे ए डी कुछ भी नहीं दिया हुआ है और ए सी कुछ भी नहीं दिया, तो इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बी डी क्लियरली मेंशन किया कि 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग जो यहाँ ए सी लिख रहे हैं, यानी इस फिगर का हम लोग यहाँ से हम लोग क्या लिए थे ए डी लिए थे, इस फिगर का यहाँ से ए सी लिए थे, तो यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ए डी, हम लोग ए सी यहाँ पे दिया हुआ है ए ई, ओके ए ई और ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ से बी डी हम लोग का दिया ही हुआ था, ओके ए ई दिया हुआ था यहाँ से ए बी, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग जब बनाएंगे 3/6, तो AD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD की जगह लिख सकते हैं AB माइनस BD लिख सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ 3/6 AD की जगह हम देख सकते हैं, AD की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, AB माइनस BD, तो इसको लिख दे रहे हैं AB माइनस BD और ये AC हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/6 यानी कट के 1/2। AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 और BD का वैल्यू दिया 1, तो ये हो गया AC, दैट मीन्स ये क्या हो गया 1/2 इक्वल्स टू 5/AC, यानी AC इक्वल्स टू 5 × 10 सेंटीमीटर, यानी AC का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर ABC इज अ ट्रायंगल, पहले हम लोग ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC इज अ ट्रायंगल जिसमें AB और AC इक्वल दिया गया, P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, यहाँ पे BC पे एक P पॉइंट है। ओके, PM परपेंडिकुलर टू AB, यानी PM से एक लाइन गया है और यहाँ पे परपेंडिकुलर बना हुआ है, और PN परपेंडिकुलर टू AC जो दिया गया है। प्रूफ करने के लिए कहा गया है BM इंटू NP और CN इंटू MP, तो हम लोग को इन दोनों ट्राइंगल का काम है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें लिखने के लिए हम लोग प्रूफ करने के लिए कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल को लिखते हैं, इन ट्राइंगल BMP एंड ट्राइंगल CNP। क्लियर, इसमें हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि एंगल M इक्वल्स टू एंगल N गिवन दिया हुआ है कि दोनों 90 है, गिवन 90। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एंगल B इक्वल्स टू एंगल C भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया कि AB और AC इक्वल साइड है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसके दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो हम लोग लिख देंगे गिवन रीजन क्या है, AB और AC इक्वल है, व्हेन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ठीक है, लिख दे रहे हैं, यानी ट्राइंगल BMP सिमिलर टू ट्राइंगल CNP बाई एंगल एंगल, लिख दे इतना दूर तक हम लोग। अब इसको आगे हम समझते हैं फिर से, अब इसको जो प्रूफ करने वाले कैसे लाएंगे, तो सबसे मेजर पार्ट पहले जो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढ लेते हैं, अगर यहाँ से हम इस एंगल का अपोजिट BP लिखते हैं तो इस एंगल का अपोजिट हमको PC लिखना होगा, लिख दिए हम लोग। उसके बाद फिर जगह अगर ये दोनों एंगल हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल लेते हैं, तो इसका अपोजिट अगर MP लेते हैं तो इसका अपोजिट हमको NP लेना होगा। बच गया तीसरा एंगल, इसका अगर MB लेते हैं क्योंकि ये तीसरा है ऑटोमेटिक, तो इसका अपोजिट NCN लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये BP और PC की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग इसके थ्रू MP इंटू CN क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और MB इंटू NP लिख सकते हैं ना, देखिए वो प्रूफ हो गया MP इंटू CN और BM इक्वल्स टू NP। ठीक है, जो प्रूफ करने वाला था प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग समझते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले पैरेलल देते हैं, द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, प्रूफ करना है आपको OA, BO, OC और OD। तो बहुत क्लियर है, हम लोग इस दोनों ट्राइंगल को लेते हैं क्या प्रूफ करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, तो क्लियर इसमें एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, लिख दिए। अब यहाँ पे ये एंगल चाहे ये एंगल लोग इक्वल कर सकते हैं, तो पैरेलल लाइन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाई एंगल एंगल, हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस एंगल को लिए हुए हैं और इस एंगल को लिए हुए हैं, तो इसके अपोजिट का अगर हम लोग OA लिखते हैं तो इसके अपोजिट का हम लोग OD लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये दोनों एंगल इक्वल था, अगर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट से हम लोग OB लिखते हैं BO, तो इसका अपोजिट से OC लिखना पड़ेगा, इसका अपोजिट से OD लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे एंगल था तो इसका OC लिखना होगा।
अगेन आई रिपीट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है ऑल्टरनेट से, तो इसका अपोजिट का अगर ओ सी लेते हैं तो इसका अपोजिट का ओ ए लेते हैं, देखिए ओ ए बाई ओ सी लिखा हुआ है। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट से इक्वल है तो इसका अपोजिट का अगर ओ बी ओ लिखते हैं तो इसका अपोजिट का ओ डी लिखना होगा। तो जो मेरा प्रूफ बोला था वो मेरा प्रूफ आ चुका हुआ है, क्लियर। अब फिर बोला क्वेश्चन में, यूजिंग द अबव रिजल्ट, ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है, ओ सी का वैल्यू दिया हुआ, ओ डी का वैल्यू दिया हुआ और ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड दी एक्स, एंड इसी पे जो वैल्यूज दिए हुए पुट करके एक्स के वैल्यू निकालने के लिए। तो ओ ए की वैल्यू लिखी हुई है 3x-19, ठीक है, और ओ सी की वैल्यू लिखी हुई है x-3, ओ बी की वैल्यू लिखी हुई है x-4, ओ डी की वैल्यू लिखी हुई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12x-76 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x-3x+12। तो ये हो जाएगा 12x-76 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -7x+12। तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर -7x-12x+12-76+76। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -19x+88। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -11x+8x+88, यानी एक्स स्क्वायर -11x-8x+88 0 0, यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी टेकिंग कॉमन x, x-11 -8 x-11, तो x-11 = 0 या फिर x-8 = 0, तो x की वैल्यू 11 या फिर 8, क्लियर, नोट कर लीजिए।